मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर करा रहे हैं ग्राम प्रधान। मोदी और योगी के सपनों पर पानी फेर रहे हैं उन्हीं के अधिकारी। मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर करा रहे हैं ग्राम प्रधान। मोदी और योगी के सपनों पर पानी फेर रहे हैं उन्हीं के अधिकारी। नरेगा मजदूरों को काम ना देकर ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है काम। मुख्य विकास अधिकारी सहित जिला अधिकारी से की गई है शिकायत। मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने दिया जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश। कहा जांच में सही पाया जाएगा तो श्रमदान घोषित किया। बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के ग्राम सभा बाघापान निवासी चंद्रभान ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ग्राम सभा में मनरेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अधिकारियों से मिलकर ग्राम प्रधान नरेगा के तहत कामना ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों से काम करा रहे हैं, जिससे हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान से जब शिकायत की गई हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है नरेगा योजना के तहत, तब ग्राम प्रधान ने कहा खंड विकास अधिकारी यादव जी हमारे रिश्तेदार हैं और वह कहते हैं कि बिना नरेगा से काम कराएं हम भुगतान करा देंगे, ट्रैक्टर जेसीबी मशीनों से काम कराइए, क्योंकि कमीशन उच्च अधिकारियों तक मुझे देना पड़ता है, इसलिए हम काम करा दें। वहीं इस मामले पर ग्रामीण द्वारा शिकायत की गई, जिला अधिकारी बस्ती मुख्य विकास अधिकारी बस्ती जिसको लेकर टीम गठित कर जिला अधिकारी बस्ती ने जांच करा रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी बस्ती राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि यह काम अमृत महोत्सव के तहत तालाब की खुदाई की जा रही है, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर द्वारा इसका आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है, इस पर हम तत्काल कार्रवाई करते हुए अगर पेमेंट इस तालाब का हो चुका है तो रिकवरी की जाएगी, साथ ही अगर भी पेमेंट नहीं हुआ है तो श्रमदान घोषित कर दिया जाएगा। बस्ती से श्रद्धानंद मिश्रा की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं आप लोग, क्या मामला है? हम सर नरेगा का जांच कराने आए थे, जिसमें जेसीबी और ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है। 18 जून से लेकर के आज तक हम दौड़ते दौड़ते यहाँ थक गए हैं हर अधिकारी के पास, लेकिन मेरा काम कहीं हो नहीं रहा। इसकी शिकायत डीएम से की है तो क्या कहे? डीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई नहीं कार्रवाई कर रहे। पेमेंट भी हो गया? पेमेंट हो रहा है 23,000 रुपये पर डे। अच्छा, जो पैसा आप किस ग्राम सभा का है निकाला गया? विकास खंड बनकटी है, ग्राम सभा बाघापान। अच्छा, सीडीओ से भी मिले थे? सीडीओ, वीडियो, सीएम पोर्टल सब पे हम डाल चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई नहीं, क्यों हो नहीं रही कार्रवाई? राजनीतिक दबाव है क्या? राजनीतिक दबाव नहीं, वीडियो और प्रधान आपस में रिश्तेदार। क्या नाम आपका है? चंद्रभान। प्रधान का क्या नाम है? रेखा यादव। सर, बाघापार गांव बनकटी में अमृत सरोवर के तहत तालाब की खुदाई जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से कराई जा रही है। हाँ देखिए, ये आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में बात आई है और आप लोगों ने एक वीडियो भी दिखाया है जिसमें ट्रैक्टर से एक तालाब खुदाई का प्रकट दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये मनरेगा गाइडलाइन का उल्लंघन है, इसमें जो दोषी होगा चाहे सचिव प्रधान के खिलाफ प्रथम कार्रवाई की जाएगी और यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको श्रमदान घोषित करा दिया। सर पेमेंट उनका हो रहा है इसमें? अगर पेमेंट हो रहा है तो रिकवरी निश्चित रूप से कराई जाएगी और अगर ज़्यादा गमन का मैटर मिलता है तो उसमें FIR दर्ज कराई जाएगी। ठीक सर।